चिंतपूर्णी भाजपा द्वारा मंगलवार को अंब के एक निजी होटल में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह चौधरी ने 177 महिला मंडलों को 11,000 रुपये की राशि के सैंक्शन लेटर प्रदान किए। बलबीर सिंह ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के तहत अपने अपने प्रोडक्ट बनाने वाली महिलाओं को अपना सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुबारकपुर में वाव मार्ट बनाया गया है। यहाँ पारंपरिक तरीके से चीज़ें बनाने वाली परंपरागत महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध प्रदेश में सिरमौर जिला के पच्छाद में बने शी मार्ट के बाद चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में बना यह ऐसा दूसरा स्थान है जहां महिलाएं अपने हुनर से स्वावलंबी बन रही हैं। मंडल के सम्मेलन में मैं अंब में उपस्थित हूं। मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेकर आज हमने यहां पर महिला सम्मेलन किया, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बहनें आईं। और मुझे खुशी है कि बहनें खुलकर दिल से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हैं, और ये सफल सम्मेलन रहा, सफल कार्यक्रम रहा। मैं यहाँ के मंडल की सभी बहनों को बधाई देती हूँ, और मैं बलबीर जी को भी बधाई देती हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम जो है वो आज यहाँ पर हुआ। तो मैडम, अभी जिला होने के लिए 5 सीटें, वैसे आप कितनी सीटों में महिला उम्मीदवार खड़ा करेंगे? देखिए, मैंने संगठन से आग्रह किया है कि हर जिला में एक मंडल में बहनों को सीट दी जाए, लेकिन बहनों का अपना ज़मीनी स्तर कितना है और वो कितनी मजबूती से खड़ी हैं, ये देखना भी आवश्यक है। सिर्फ महिला होने के नाते कि महिलाओं को टिकट मिले, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। महिलाएँ अपने दम पर आगे आएंगी, और मेरा ये मानना है कि महिला शक्ति इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि आने वाले समय में महिलाओं को मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि संगठन का कार्य होता है महिलाओं को मजबूती देना, ज़मीनी स्तर पर तैयार करना, और वो मैंने 3 साल में किया है, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। मैडम, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपने उनकी तुलना भगवान शिव से की थी, इसके विषय में कांग्रेसियों ने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे मन का भाव, मेरे मन की इच्छा, मेरे मन में जो उनके लिए भाव बना है वो मेरा है, वो मेरे मन से निकला है, मेरे दिल से निकला है, मेरी दिल की आवाज़ थी। जब मैं कुल्लू में संबोधन कर रही थी, क्योंकि मैं कुल्लू में पढ़ी हूँ, बिजली महादेव के मैंने दर्शन किए हैं, और जब मैं बिजली महादेव का उल्लेख कर रही थी तो मुझे उनकी पिंडी में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का अक्स दिखा, तो वो मेरे मन से दिल से निकला। और जहाँ तक रहा कांग्रेसियों का, अटल जी ने उनकी इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप दिया था, तो उनको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मेरे भाव को मुझ तक रहने दें, मेरे तक सीमित रहने दें। और मुझे तो लगता है हर व्यक्ति में देव है, हर व्यक्ति में भगवान है, तो ये तो उस भाव को आपको समझना चाहिए और समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। इस बार रिवाज बदलने में महिलाएं जो हैं वो अग्रणी भूमिका निभाएंगी, और समाज में ये बदलाव की एक आगाज है और आवाज़ है कि महिलाओं को आप कम ना आंकें, महिलाओं को मान सम्मान इज्जत दें, तभी महिला शक्ति जो है वो आपके साथ जुड़ती है। और हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए अंब से अविनाश चौहान की रिपोर्ट।